और अब खबर सीकर जिले से है, जहां दातारामगढ़ खूर सड़क मार्ग निर्माण की मांग को लेकर संघर्ष समिति का धरना 9वें दिन भी जारी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले विभागीय अधिकारियों ने धरने पर पहुंचकर ग्रामीणों से लिखित समझौता किया था और जिसमें 7 जून से सड़क का काम शुरू करवाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 3-4 दिन बीत जाने के बाद भी काम शुरू नहीं होने पर ग्रामीण वापस धरने पर बैठ गए। भीषण गर्मी होने के बावजूद भी सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। उन्होंने सुनवाई नहीं होने पर 10 जून के बाद चक्का जाम करवाने की चेतावनी दी है। दातारामगढ़ खूर सड़क निर्माण संघर्ष समिति के द्वारा दिनांक 1 जून 2019 से ये सड़क निर्माण के लिए जो संघर्ष किया जा रहा है उसके लिए धरना हम दे रहे हैं। इसका आज 9वां दिन है। 7 तारीख को, 7 जून को एक्शन साहब कुचामन सिटी PWD हमारे मध्य उपस्थित हुए थे और उन्होंने 3 बिंदुओं पर समझौता किया था कि जो भी CC रोड अधूरी है, एक पट्टी बनी हुई है, सिंगल पट्टी बनी हुई है, उसका पूर्ण निर्माण कर देंगे और जो रोड JCB द्वारा खोदी गई है उसका डामरीकरण कर देंगे और जो खड्डे हैं इनका पेच वर्क कर देंगे। ये लिखित में हमारे मध्य समझौता हुआ है, परंतु 7 तारीख को ही काम चालू होना था, आज तक काम चालू नहीं हुआ है। संघर्ष समिति द्वारा ये धरना 9 दिन से बराबर चल रहा है। इसमें आज 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यहाँ पे गांव की पूरी जनता है, आसपास के जो लोग हैं, खोरंडी, लाला, सुडील, यहाँ के लोग जो यहाँ पर आकर बैठते हैं वो धरने में एक ही बात कहते हैं कि ये रोड अगर जल्द से जल्द शुरू नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा हमारे को। और हमारी यही मांग है कि हमारा क्षेत्रीय विधायक आके हमारे से वार्ता करे एक बार। उनका भी उद्देश्य बनता है कि हमारे भाई यहीं की जनता ने उसे वोट दिया है तो वो यहाँ आके एक बार आपका जनता के बीच में आकर जनता से चर्चा तो करें। हमारा यही मानना है कि वो यहाँ पे आके हमारे को आश्वासन दे। तो